हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टॉक्स और वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मोटिवेशनल टॉपिक. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डू बुक रिव्यू. उसके पहले आप सब लोगों को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. और हाँ, आज काफी दिनों बाद, अराउंड 20 डेज बाद हम ये एक वीडियो शूट कर रहे हैं. और लिटिल आई वॉज अनवेल, फिर एग्जाम्स चल रहे थे बच्चों के, तो काफी बिजी होने के कारण एक भी वीडियो नहीं आया. और एक चीज है कि उससे पहले हम शुरू करें, आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि. माँ दुर्गा आप सबके घर में बहुत बहुत आशीर्वाद बरसाए और सब सुखी रहे. यही शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं. तो जस्ट एज अ रिचुअल, थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर शोइंग योर लव टू द चैनल. कीप शेयरिंग योर लव लाइक दिस, थैंक यू. तो बुक रिव्यू शुरू करते हैं. और आज के बुक रिव्यू जो हमने किया है, आप आश्चर्य होंगे कि मैंने हिंदी में एक बुक लिया है, जीवन के अद्भुत रहस्य. जीवन के अद्भुत रहस्य जिसके राइटर है, लेखक है गौर गोपाल दास, ये है बुक. ओके, तो जीवन के अद्भुत रहस्य गौर गोपाल दास जी. हाँ, इस बुक को फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट पेज मैंने पढ़ा है. और जैसा कि आपको पता है कि मुझे इंग्लिश में ज्यादा कमांड है, तो मैं जो बुक रिव्यू की हूँ मैंने हिंदी में भी और इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेजेस में बोलूंगी, ताकि ये आप तक बहुत क्लियर हो जाए. और हाँ, ये जिंदगी को देखने का नजरिया, जीवन को देखने का नजरिया जरूर बदल देगा ये किताब अगर आप लेते हैं तो. गौर गोपाल दास मैंने भी इनके बहुत सारे प्रवचन सब वो सब बहुत सारे सुने हैं, वेरी इंस्पायरिंग. तो ये बुक मैंने उठाया जो पहली बुक है गौर गोपाल दास की. और यस, वेरी इंटरेस्टिंग. और लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर लेके आता है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है, हर बार की तरह उन पॉइंट्स पे बात करेंगे इस बुक रिव्यू पे. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि हमने सक्सेसफुल कैसे बनना है वो तो सीख लिया, लेकिन सक्सेस को कैसे इंजॉय करें, सक्सेस को फील कैसे करें, वो हमने नहीं सीखा. तो ये बुक, इस बुक के जरिए, अद्भुत रहस्य के जरिए हम बहुत अच्छी तरह से अपने अलग अलग कहानियों के द्वारा इन्होंने बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है कि यस, इट हैज टू बी इंजॉयड, सक्सेस मस्ट बी इंजॉयड एंड मस्ट बी फेल्ट. ओके, सक्सेसफुल तो हम हो जाते हैं लेकिन उसके बाद उसको एंजॉय कैसे करें वो है. तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें कार को कंपेयर करते हैं, जैसे कार के फोर व्हील्स होते हैं, कार के चार चक्के हैं और उसमें प्रेशर बराबर का होना चाहिए कार को स्मूथ रन करने के लिए, उसी तरह से जीवन के ये चार क्रूशियल एरियाज हैं, जो स्मूथ हो, जो बैलेंस्ड हो, तब हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे. वो क्या क्या है? पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ एंड सोशल कंट्रीब्यूशंस, ये चार हैं. तो पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, वर्क लाइफ एंड सोशल कंट्रीब्यूशन, ये चार पॉइंट्स पे हम बात करेंगे. जो गौर गोपाल दास जी ने बात किया है, ये चार ही हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा जो हमारी जो जिंदगी है, हमारा जो लाइफ है, वो बहुत स्मूथ हो और हम जिंदगी को इंजॉय कर पाए. यस, ये चार बैलेंस होने चाहिए. तो अगर हमारा स्कोर किसी दो में, ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है और हमारा सोशल कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तो वहां हमारा स्कोर हाई है और बाकी दो में स्कोर लो है, तब भी हमारा लाइफ बहुत स्मूथ नहीं होगा. ओके, क्योंकि जैसे कार का पहिया, जैसे हमने लिया था कि अगर दो में बराबर का प्रेशर है और बाकी दो में नहीं है, तो कार स्मूथ नहीं चलेगा. ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगे ही. तो ये भी यहाँ हमने कार और लाइफ को कंपेयर किया. ठीक है, सो तो पहला जो पॉइंट है पर्सनल लाइफ, चलिए पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हैं. तो पर्सनल लाइफ नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं, ऐसा नहीं कि वो क्या बताना चाहता है, हम उस नजरिए से नहीं देखते, हम सारी चीजों को अपने नजरिए से देखते हैं. तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं
कि हम जैसे होते हैं हमको चीज वैसा ही नजर आता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल ले लें ताजमहल, अगर हम ताजमहल देखने गए तो ताजमहल देखने का नजरिया लोगों का भिन्न भिन्न होगा। ओके सॉरी अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ हो रहा है ग्रामर एंड ऑल दैट, मैं इसलिए हिंदी यूज कर रही हूँ क्योंकि बुक हिंदी में था और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं इस बुक को, इसलिए मैं हिंदी यूज कर रही हूँ, तो प्लीज बेयर विथ मी। हाँ तो ताजमहल देखने गए तो अगर कोई बिजनेसमैन है वो बिजनेस के नजरिए से देखेगा कि यार ये ताजमहल बना होगा, इसमें कितना खर्च बैठा होगा, इसमें ये मार्बल यूज हुआ है, व्हाइट मार्बल, ये स्टोन, ये और यहां से यहां तक का कितना जमीन हुआ होगा, सो उसका देखने का नजरिया अलग होगा। अगर कोई आर्टिस्ट पर्सन जो देखेगा उसकी आर्ट को अप्रिशिएट करेगा, तो हर एक का नजरिया अलग अलग है। ओके तो डेफिनेटली इट डिफर्स। ओके तो हम अच्छाई लोगों में या दूसरे में कैसे देखें, हाउ टू सी गुड इन अदर्स। ओके तो उसके लिए हमको खुद को बेहतर बनाना होगा, हमको खुद को अच्छा बनना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना होगा कि यस हमारे पास जो भी है उसके लिए हमको थैंकफुल होना होगा, हमको ग्रेटफुल होना होगा, क्योंकि डेफिनेटली फ्रेंड्स बहुत सारे कुछ हमारे पास है, ईश्वर ने हमको नवाजा है, ईश्वर ने हमको दिया है, जो कि बहुत दूसरे लोगों के लिए वो ड्रीम हो सकता है, तो हमारी चाहत और हो सकती है, बट वो और किसी के लिए जो हमारे पास है वो ड्रीम है। सो लेट अस बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी, थैंकफुल टू द गॉड, थैंकफुल टू माँ दुर्गा एज द टाइम इज गोइंग ऑन नाउ। ओके तो ग्रेटफुलनेस हुआ, और दूसरा और एक बात यहाँ पे एग्जांपल ले सकती हूँ, बहुत ये एग्जांपल इस किताब में है कि जैसा कि आपके घर में जो बल्ब जलता है वो पावर स्टेशन, जो पावर स्टेशन है, अगर हम चचाई से पावर लेते हैं, कहीं से भी जो पावर स्टेशन है वो पावर स्टेशन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो पावर अगर पावर स्टेशन में ऑन होगा तो बल्ब हमारे घर में भी जलता है। अगर हम स्विच ऑन करके रखेंगे और पावर स्टेशन में पावर नहीं है, अगर वहां से पावर नहीं आता है तो नहीं जलेगा। उसी तरह से फ्रेंड्स हम सब, हम इंसान हैं, जो भी लिविंग बींग्स हैं, हम सब ऑलमाइटी से एक सुप्रीम पावर है जिसे कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड वो बुक हमने किया है, सबकॉन्शियस माइंड में हम जैसा सोचते हैं, हम दिन भर जिन चीजों के बारे में सोचते हैं वो हमारे लाइफ में होने लग जाता है। तो क्यों ना हम अच्छा अच्छा सोचें, हमको बुरा सोचने की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ इसके साथ ये जुड़ जाता है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में। और हम सब क्योंकि सुप्रीम पावर से कनेक्टेड है, जैसे कि बल्ब पावर स्टेशन से कनेक्टेड है, तो हमको कुछ ना कुछ इंट्यूशन के रूप में कुछ वाइब्रेशंस हमारे अंदर आते रहता है, जिसको हम बोलते हैं, हम किसी दिन सोचते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं कि काश आज टीचर नहीं आता, और बाय चांस वो टीचर एब्सेंट हो जाता है, तो आप कहते हैं आज मैंने बोला था, तो वो एक इंट्यूशन है। ओके सो समहाउ वी आर कनेक्टेड टू द सुप्रीम पावर, और हमको वहां से वाइब्रेंस आता ही रहता है, ठीक है। सो वी आर कनेक्टेड एंड वी डू रिसीव वाइब्रेशंस फ्रॉम देम। सेकंड पॉइंट हमारा जो फर्स्ट पर्सनल लाइफ था, सेकंड रिलेशनशिप्स। तो अब हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, करंट ऑफ हो गया है तो प्लीज बेयर विथ मी, रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। तो रिलेशनशिप्स डेफिनेटली एक वर्ड इंस्टेंट जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंस्टेंट जो वर्ड है, आजकल इंस्टेंट फूड हम ऑर्डर करते हैं, इंस्टेंट टिकट ऑर्डर करते हैं, तो सब कुछ इंस्टेंट, बट इंस्टेंट रिलेशनशिप्स नहीं होता। रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक अ स्मॉल प्लांट, जैसे हम सीड को जर्मिनेट करने के लिए डालते हैं, वो सीडलिंग होता है और वो ग्रो होता है, इट रिक्वायर्स केयर, ओके, इट रिक्वायर्स अटेंशन, इट रिक्वायर्स कॉन्शियसनेस, सो ऑल दैट हमारे रिलेशनशिप को भी जरूरत होता है। तो रिलेशनशिप को केयर देना है, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि बिना कुछ किए हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गौर गोपाल दास ने इस बुक में एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप को दर्शाया है, ओके, हाउ दे बोथ आर वेल टू डू बट दे वॉन्ट टू गेट डाइवोर्स, दे वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, तो कैसे, और केवल छोटा सा प्रॉब्लम है दैट दे डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट ईच अदर, टू केयर अबाउट ईच अदर। तो रिलेशनशिप में केयर बहुत इंपॉर्टेंट।
यस, बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल है, आप सबको पता भी होगा, स्वॉर्ड और वर्ड्स, मतलब तलवार और हमारे जो शब्द हैं वो दोनों का कंपैरिजन है कि जैसे तलवार चलाने वाले को पता रहता है कि उसको कहाँ वार करना है, ओके, हाथ काटना है, गला काटना है, क्या करना है उसको पता है, वैसे ही शब्द जो यूज करते हैं हम तीखा किसी और के लिए, तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसका आउटकम क्या होगा, तो बहुत सोच समझ के ये दोनों का यूज करना चाहिए। स्पेशली सोर्ड तो हम कॉमन मैन हम लोग यूज करते नहीं है, तो अपने जो शब्द जो मुंह से निकालते हैं उसके लिए हमको बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए कि इसके फीलिंग्स को किसको हम हर्ट कर रहे हैं और किस हद तक हम किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो फॉर गुड रिलेशनशिप्स क्या करना चाहिए, दो चीजें हैं, दैट इज यस, थैंक गॉड करंट इज बैक, तो सोच समझ के बोले, ओके, थिंक बिफोर यू स्पीक, जो कुछ भी बोले वो सोच समझ के बोले, और दूसरा अगर हमारी किसी से कोई अनबन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है, तो उस पर्सन को और प्रॉब्लम्स को हम सेपरेट करके रखें, प्रॉब्लम को हम उस पर्सन से सेपरेट करके रखें, उसका हल निकालने की कोशिश करें ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, ना कि वो पर्सन से ही डिस्टेंस मेंटेन कर ले। सो दीज आर द टू फंडामेंटल वेज जिससे हम अपने रिलेशनशिप को सुदृढ़ वो बोल सकते हैं, दैट स्ट्रांग बना सकते हैं, ओके, ट्राइंग टू यूज हिंदी वर्ड्स फॉर यू आर। और थर्ड पॉइंट है वर्क लाइफ। यस, वर्क लाइफ में क्या होता है कि स्टूडेंट से कंपटीशन होती है, यहाँ बहुत कंपटीशन होता है, ठीक है, बिजनेसमैन का बिजनेसमैन से, पॉलिटिशियन का पॉलिटिशियन से, जो एक रैंक का आदमी होता है और जो एक लाइफस्टाइल के लोग होते हैं उनमें कॉम्पिटिशन ज्यादा देखने को मिलता है, ओके, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऑथर ने बोला है, गौर गोपाल दास जी ने बोला है कि हमको और किसी से कंपटीशन रखने के बजाय हम खुद से कंपटीशन करें, हम और किसी से बेहतर हो के भी कोई फायदा नहीं है, ओके, बजाय कि हम रोज ये सोचे कि हम खुद से बेहतर कितना बन पाए, इवन अ सिंगल 1% बेहतर अगर कल से हम आज बनते हैं तो दैट इज वॉट इज गोइंग टू हेल्प मी इन माई लाइफ, इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विद समबडी एल्स दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनी हेल्पफुल, ठीक है, यस, और दैट, एंड द लास्ट पॉइंट इज सोशल कॉम्पिटिशन्स, ओके, दैट इज सोशल में क्या है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दो एग्जाम्पल्स इन्होंने लिया है, एक मेल्टिंग आइसक्रीम का और एक बर्निंग कैंडल का, दोनों मेल्ट हो रहा है ना, कैंडल भी मेल्ट हो रहा है और आइसक्रीम भी मेल्ट हो रहा है, तो आइसक्रीम जो मेल्ट हो रहा है वो कहता है कि एंजॉय लाइफ बिफोर आई मेल्ट, गॉट इट, एंजॉय लाइफ बिफोर आई मेल्ट, और कैंडल क्या कहता है, गिव लाइट टू अदर्स बिफोर यू मेल्ट, ओके, सो ये दो चीजें हैं, एंजॉय लाइफ बिफोर यू मेल्ट आइसक्रीम कहता है, एंड कैंडल कहता है दैट गिव लाइट टू अदर्स बिफोर यू मेल्ट, तो एक सेल्फिश हो गया, आइसक्रीम सेल्फिश हो गया, और दूसरा जो कैंडल है वो सेल्फलेस है, तो फ्रेंड्स एट दिस जंक्चर हमको खुद को डिसाइड करना होगा कि हमको दोनों में से किसकी प्रिंसिपल फॉलो करनी है, मेल्टिंग आइसक्रीम की या मेल्टिंग कैंडल की, जो बर्निंग कैंडल है उसकी, सेल्फलेस या सेल्फिश, ओके, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अस, आई फील इज अगर हम कोई सेल्फलेस सर्विस सोसाइटी को करते हैं या हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, अगर हम किसी को खुश करते हैं, कोई हमारे वजह से खुश होता है, तो जो इस धरती पे, जो इस अर्थ पे हमको जन्म मिला है उसके लिए हम रेंट पे कर रहे हैं, दैट इज लाइक पेइंग अ रेंट फॉर स्टेइंग ऑन द अर्थ, फॉर बींग ऑन द अर्थ, ओके, सो उसी तरह से गौर गोपाल दास जी ने बहुत सारे इंसिडेंट्स इस बुक में लिखे हैं जो हमारे जीवन देखने का नजरिया बदल देगा, इट चेंजेस आवर व्यूज ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, ओके, कंप्लीट हमारी इनसाइट चेंज हो जाती है, और बहुत ही खूबसूरत बुक है, ओके, जीवन में कैसे संतुलन बनाए रखें और जीवन का उद्देश्य वो सारा इस बुक में है, ओके, जीव और बहुत ही खूबसूरत तरीके से दो लाइंस है वो जो मैं इनसे पढ़ना चाहती हूँ, जीवन को गुजारिए नहीं जीवन को संवारिए, सो ब्यूटिफुल मस्ट रीड बुक, ओके, एंड डेफिनेटली आई गिव 4.6 टू 4.7, ओके, रेटिंग आउट ऑफ 5 टू दिस बुक, अ मस्ट रीड बुक, हर किसी को इस किताब को पढ़ना चाहिए, जो
जी रहा है, जो जिंदगी में पीस रहा है और जो जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, क्या रीजन है कि सब कुछ रहते हुए भी हम लाइफ को नहीं एंजॉय कर पाते। अ वेरी वेरी गुड बुक। ओके फ्रेंड्स, सो होप दिस पर्टिकुलर बुक रिव्यू इज यूजफुल फॉर यू ऑल, एंड डू लेट मी नो कि अगर आपको हिंदी बुक रिव्यूज चाहिए तो मैं और हिंदी के बुक्स उठाऊंगी। अदरवाइज मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं हिंदी में कर पाऊंगी, तो मैंने मिक्स किया, बट डू लेट मी नो। ओके, सो अगेन थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।